फ्रेंड्स, हाउ आर यू। भक्ति द्वार टेलीविजन यूट्यूब चैनल पे मैं दर्शना भट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। धनु राइट यानी सेजिटेरियस के लिए आने वाला 2020 का जनवरी महीना क्या फल लेके आया है, लेट्स सी। चेंज, जैसे कि आपने देखा चेंज यानी कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है धनु राशि वालों के लिए जनवरी महीने में। तो रेडी हो जाइए इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। धनु राशि वालों के लिए जनवरी महीना बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है जो बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कार्ड अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर सारे लक्की चार्म्स, लक्की साइंस है, 12 राशियों की साइंस है और पॉजिटिव अपने आप में ही काफी पॉजिटिव कार्ड है ये। तो बिजनेस वाइज ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा बदलाव लाने वाला रहेगा। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जो आपने कभी सपने में सोचा होगा कि ये मुझे चाहिए या तो ये लेवल पे मुझे पहुंचना है, तो ये आपके लिए पॉसिबल होगा 2020 के जनवरी महीने में। जी हाँ, धनु राशि वालों रेडी हो जाइए बहुत बड़े बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है। जॉब आप कर रहे हो तो जॉब करने वालों रेडी हो जाओ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ है। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, या तो आप प्लेस चेंज कर सकते हो, यानी कि अपने आप में ही काफी बदलाव भरा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो आप करना चाहते हो इन शॉर्ट वो आप जनवरी महीने में कर सकते हो। तो प्लानिंग कीजिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे होंगे इस महीने में। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ में भी आपके बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपने इग्नोर नहीं करना है कुछ भी, इस बार आपको बहुत ध्यान देना है आपकी हेल्थ का, जो हमेशा से आप करते आ रहे हो। छोटी मोटी चीजों को इग्नोर ना करें, उसके ऊपर ध्यान दे तो आप ज्यादा फिट रह पाओगे। बच्चे स्टडी वाइज देखा जाए तो स्टडी वाइज आपको इस बार बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया आपकी स्टडीज में तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ, प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है क्योंकि बाद में एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अभी से आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए तकलीफ हो सकती है। बेटर है कि आप फोकस करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। कीप प्लानिंग कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए, तो ये महीना आपको हेल्प करेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये चेंज का कार्ड यही दर्शाता है कि आपको अभी से उन सब चीजों को जीना शुरू करना है। जी हाँ, विजुलाइजेशन करना है। जितना आप पॉजिटिव विजन रखोगे उतना ही आप फ्यूचर में इन सब चीजों को एक्सेप्ट करोगे। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा महीना है ये, गेट टुगेदर का महीना है। कीप पार्टिंग गाइस, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, बट हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। रेमेडी वाइज देखा जाए तो आपको इस महीने जुपिटर के रिलेटेड डोनेशन करना है। जी हाँ, क्योंकि धनु का मालिक जुपिटर है यानी कि गुरु। गुरु की चीजों में क्या आता है, पीली दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है, येल्लो चीजें, लड्डू है, येल्लो है, ये आप डोनेट करें। अपने गुरु, आपके जो भी गुरु है उनको आप कुछ गिफ्ट करें, या तो आपके सीनियर्स हैं, अगर नहीं आपके गुरु नहीं है तो बेस्ट है अपने माता पिता। अपने माता पिता से बेस्ट गुरु अपने कोई नहीं होते, तो अपने माता पिता को गिफ्ट करें। जो उनको चाहिए वो चीजें अगर आप उनको गिफ्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उनके आशीर्वाद से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ सकते। अगर आपने अभी तक भक्ति द्वार टेलीविजन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, इसको लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं भक्ति द्वार टेलीविजन, लाइक करें अपने भक्ति द्वार टेलीविजन को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उस घंटी को भी बजा दे, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे
आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। भक्ति द्वार टेलीविजन, भक्ति द्वार, जीवन का सार।